बात करेंगे। मेरा नाम है पुष्कर रावत और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए आज के दिन पे क्या क्या हो पता है आपको बताएंगे। अभी अपने किचन गार्डन में भी देखें तो बहुत सारे जो है चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पर देखो ये जो है ग्वार के पौधे भी लगाए थे तो इनमें भी जो है छोटी छोटी फलियाँ जो है आने लग गई है। इधर आपका ये सब ग्वार की फलियाँ ही हैं। इधर आपका बैंगन भी थे, बैंगन के अलावा भिंडी भी है, इधर भिंडी के पौधे भी लगे हैं। बहुत सारे पौधे जो गर्मी के कारण सूख गए हैं। अभी इधर गन्ने के भी दो पौधे थे, इधर वाले जो है पौधे देखो ये सूखने लग गए हैं तो इनमें भी अपन जो है काली मिट्टी डालेंगे। और इधर जो है पौधे हैं गन्ने के, ये अच्छे चल रहे हैं बिल्कुल। अपने कुएं की तरफ आया हूँ और देखिएगा इधर जो है कुएं से मस्त वाले मोटर चल रही है। अभी जो है अपना भैया जो है इधर इस घास में जो है मोटर चल रही है अपनी, इसको पिला रहे हैं ताकि भैंसों को और बैलों को खिला सके। तो अभी कुछ ऐसा माहौल है। पहले के समय में कितना अच्छा था, अब तो ट्रैक्टर वगैरह हो गए हैं, खेती आसान हो गई है। पहले के समय की जो है देखो मैं आपको ये बैलगाड़ी जो है बताता हूँ। बैलगाड़ी पड़ी है अपने यहाँ पे और इधर जो है झोपड़ी भी बना रखी है। बिल्कुल बहुत मस्त वाली हवा आती है दिन में यहाँ पे। पहले पलंग भी रखा था, आई थिंक पलंग अब घर ले गए हैं उसको। और ये पूरी जो है आप देख सकते हैं ऐसी झोपड़ी बनी है उधर सामने वाले पे, इधर भी जो है अंकल जी के इधर बनी हुई है। अभी मई का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए जो है कुएं की तरफ आए हैं। यहाँ से पानी भी भर के ले जाएंगे और थोड़ी जो है यहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो ठंडक भी है थोड़ी। अभी कुएं से आने के बाद जो है थोड़ी सी नींद लग गई थी, अभी उठे हैं। दिन के जो है दोपहर में 3:30 बज रहे हैं और अभी मैगी बनाई है, मैगी खाएंगे उसके बाद जो भी काम होगा वो बताएंगे। तो अभी दोपहर के बाद देखो तो बादल छाने लग गए हैं और देखो बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है तो पूरा कचरा कचरा हो गया है यहाँ पर। तो अभी मैगी बन के तैयार है और इंजॉय लेंगे मैगी का, बिल्कुल खाते हैं देखो बहुत टेस्टी हो रही है। और अभी देखो आज शाम के खाने की तैयारी भी हो चुकी है। आज शाम के खाने में स्पेशल दाल बाटी का प्रोग्राम है तो आपको भी दिखाएंगे देखिए कैसे दाल बाटी बनती है। और अभी जो मैं हूँ तुअर की दाल जो है बनाने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं आती पर अच्छी खासी बना लेता हूँ दाल। तो इधर जो है दाल अपने डाल रखी है, ये पूरा एक बार मिक्स हो जाएगी उसके बाद जो है इसको निकालेंगे। तो अभी दाल अच्छे से मिक्स हो गई है, इसको इस पतीले में लेंगे उसके बाद जो है तड़का लगाएंगे। तो दाल यहाँ अपनी तैयार हो रही है और बाहर जो है अपने चूल्हे पे जो है बाटी बनने वाली है। इधर चूल्हे पे जो है बाटी बनेगी। तो इधर मम्मी जी जो है आटा लगाने की तैयारी में है, आटा लगाएंगे। तो अभी बाटियां जो है सेकने के लिए डाल दी अपनों ने। तो अभी मैंने जो है दाल के लिए लहसुन प्याज और हरी मिर्ची भी जो है काट दी है। तो अभी 3 चम्मच जो है अपन तेल डाल दिया है। अभी सब जो मसाला है ये डालेंगे इसमें, प्याज लहसुन और हरी मिर्ची।
इसको जो है पहला जो है पूरा अच्छे तरीके से पकने देंगे, उसके बाद जो है दाल डालने वाले हैं। तो अभी दाल बनने के लिए तैयार है और अपन थोड़ा सा जो है गर्म पानी भी किया है ताकि इसमें अपन डालेंगे, थोड़ा और पानी चाहिए क्योंकि माटी में जो है पानी ज़्यादा चाहिए। तो अभी दाल को बनने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसको ऐसे ही अभी रहने देंगे। तो अभी बाटी बन के तैयार है और बिल्कुल जो है इनको घी लगाएंगे और फिर खाना खाते हैं। तो अभी खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।